हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। तो इससे पहले मैंने करा दिया है कि कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है, और उसका मैंने रियल एग्जांपल भी दिया है। हमारा जो रियल लाइफ है उससे मैंने उसको रिलेट करते हुए आपको वो बताया है कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कि जो उसके टाइप्स है, लेटर और लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, डेसिफेरल कोडिंग एंड सिंबल कोडिंग। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न है उनके, जैसे लेटर कोडिंग है इनके भी अलग अलग पैटर्न्स है। तो हम सारे पैटर्न्स को करेंगे और अच्छे से देखते रहिए और पेशेंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दी हूँ, मैं हूँ आरजू तमन्ना और आप सबका गेट सक्सेस नूर में स्वागत है। तो आप चलिए और वीडियो देखते हैं फटाफट। तो क्वेश्चंस फिर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ ये कि एक मैंने आपको सेंटेंस बोला था कि ये आपको हर डे कर लेना है, हर डे एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें विद नंबर, इनके नंबर के साथ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था पिछले ही वीडियो में कि एक बार आप ज़रूर जा कर के देख ले, जैसे कि आपको करना है हर दिन, आप कभी भी जब भी टाइम मिले एक बार ज़रूर इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको हमें ये नंबर वगैरह देना है, बताना है कि द का क्या है, मतलब कि द मतलब कि टी है यहाँ पर, तो टी का क्या होगा, टी का क्या होगा, तो टी का 20, ठीक है, एच का 8, ई का 5, है ना। इस तरह से सारे आपको कर लेना है। मैंने वो सारा इससे इसके पहले जो वीडियो है आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, और आई कार्ड पर भी क्लिक कर सकते हो आप, वहाँ से जा करके आप इसका मैंने बताया था किस तरह से याद करोगे, और वो कर लेना। तो मैं यहाँ पर टाइम अपना नहीं दे रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं कि लेटर जो हमारा है कोडिंग वो कैसे वर्क करता है। तो ये रहा हमारा लेटर कोडिंग का पहला क्वेश्चन, ये उसका पैटर्न है, ये फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न, ठीक है। तो ये कितने टाइप्स के इसमें आएंगे क्वेश्चंस, कितने वैरायटीज के आ सकते हैं, वो सारा हम वैरायटीज वन बाई वन चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। इफ मद्रास इज कोडेड एज NBSBT, ठीक है, इस तरह से ये कोडेड है, हाउ इज बॉम्बे कोडेड इन दैट कोड, ठीक है। इन ये कोड ऑप्शंस गिवेन है, आपको कह रहा है कि जो मद्रास है वो कोडेड है इस तरह से। तो आपको क्या करना होगा कि उसी टाइम आपका माइंड अप्लाई नहीं करना होगा, ठीक है, बोर्ड पर ही नहीं आपको सोचना है, आपको क्या करना है कि आपको कॉपी पेन वहाँ पर रहेगा, या फिर जहाँ भी आप एग्जाम दे रहे हैं स्क्रीन पे दे रहे हैं आपको रफ पेज मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आप ये क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है, और एक लेटर इधर उधर होने से आपका ऑप्शन मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। मद्रास को कह रहा है कि ये क्या NBESBT, इस तरह से ये कोडेड है, और आपको कोड करना है बॉम्बे को, किसको कोड करना है, बॉम्बे को। तो यहाँ मैं बॉम्बे लिख देती हूँ, ये रहा, इसको आपको कोड करना है। इसका बताना है कि चारों में से ये ऑप्शंस कौन होगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पैटर्न को चेक करना होगा हमें कि क्या किस तरह से है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए देखते हैं, देखिए एम, एम के बाद आता है एन, एम अगर मैं बात करूं कोडिंग नंबर याद करने का, तो अगर आपको नंबर या तो फटाफट आप लिख सकते हैं, ए का होता है 1, डी का होता है 4, आर का हो गया 18, ए का हो गया 1 और एस का हो गया, बताइए फटाफट, ठीक है। आपको अगर इसका नहीं याद है तो हस याद मैंने बोला था 8, ठीक है, और क्या जोड़ेंगे कि आपका 27 हो जाएगा, तो आप क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, 19, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, 13 1 4 18 1 19, अगर याद है आपको तो फटाफट लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया 14, ये देखिए 2 हो गया, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 19, ये हो गया 2, ये हो गया T20, ठीक है। तो आप देख ले इनका पैटर्न क्या है, ये 13 से एक बढ़ करके हो रहा है 14, ये 1 से हो रहा है 2, ये 4 से हो रहा है 5, और R का हो रहा है यानी 18 से 19 हो रहा है, और ए बी हो रहा है, और एस टी हो रहा है यानी 19 से 20, यानी एक एक उसमें ऐड हो रहा है यानी प्लस 1 हो रहा है, सारे में क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है। तो आपको ये जो दिया गया है, ठीक है, आपको रिलेशन मिल गया कि क्या हो रहा है यानी प्लस 1 सब में ऐड हो रहा है। तो उसी तरह से अब हम बॉम्बे में भी क्या करेंगे, देखिए ये बी का क्या कर लेंगे हम, एक बढ़ा करके सी कर लेंगे, ठीक है। तो अब आइए ऑप्शंस की तरफ, एक बार हम ऑप्शंस की तरफ आएंगे, इन ऑप्शंस में देखिए जो ए बी सी डी ऑप्शंस हमारा गिवन है, ये देखिए सारे का जो फर्स्ट लेटर है ना, ये सारे में सी है, ठीक है, चारों में क्या है, सी है। तो आप ये फर्स्ट वाले का नहीं भी कर सकते थे, स्किप कर सकते थे, वो मैं आपको नेक्स्ट ये क्वेश्चंस में कराऊंगी कि कैसे स्किप करना है और कैसे हमें विद इन सेकेंड, ठीक है, हमें क्विकली आंसर करना होता है, ठीक है, क्विकली, ये नहीं कि हमें पूरा वहां पर सॉल्व करना होता है, हमें बस क्या करना था, ऑप्शन के थ्रू जाना होता है, मैंने पहले भी वीडियो में ये बताया था, ठीक है। अब देखिए ये जो पी पी पी, तीन में पी है और एक चौथे में क्यू है, ठीक है, तो लेकिन इसके लिए हमें चेक करना होगा कि क्या ये जो सेकेंड हमारा ये पी पी होगा या क्यू होगा। तो चलिए ओ का क्या हो जाएगा, ओ का पी हो जाएगा, ओ में 1 प्लस कीजिएगा, ठीक है, यानी
होता है ओ का 15, 15 में 1 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16, तो हमें क्या करना होगा पी ओ पी एक बढ़ा देंगे पी। तो अब आइए देखते हैं ऑप्शन में, देखिए ये पी ए बी सी जो ऑप्शन में सब में पी पी है, डी ऑप्शन है जो नहीं है, तो हम डी को अब क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे, इसे हम कट कर देंगे, अब इस ऑप्शन के थ्रू हमें नहीं देखना है, बस तीन पर ही जाना है ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो में क्या है, ए और बी ऑप्शन में एन एन है और यहाँ ओ है सी में, तो उसके लिए फिर हमें चेक करना होगा। चलिए एम के बाद क्या आएगा, एक ऐड करेंगे तो एम एन एम प्लस वन एन हो जाएगा, यानी एम के बाद एन आता है ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एन आ गया, तो यानी सी ऑप्शन के तरफ भी हमें नहीं जाना, अब आना है ए और बी पर। ए और बी पर आप देखिए यहाँ एन एन है ठीक है, अब हमें यहाँ नहीं आना, ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस को एन एन है, सी सी है, बी बी है ठीक है, ये दोनों में सेम है, बस लास्ट का जो है ये डिफरेंट है। तो हम अब क्या करेंगे, डायरेक्ट हम सीधे यहाँ पर आएंगे वाई, वाई के बाद क्या हो जाएगा भाई जेड हो जाएगा, वाई के बाद क्या होता है एक बड़ा जेड। तो अब हम इनका नहीं देखें, ये हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, इससे क्या हुआ हमारा टाइम बच गया, टाइम सेव हो गया और हम फटाक से क्या करेंगे जेड वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे ठीक है, यानी जेड आया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये है आपको एग्जाम में करने का ट्रिक ठीक है, कि आपको एग्जाम में विद इन सेकेंड, विद इन मतलब कि आपको क्या करना है एकदम फायर कर देना है, बस क्वेश्चन देखा आंसर देखा, मतलब कि ऑप्शन ऑप्शंस को देखिए और उसके बाद जल्दी से मैच करिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा देखिए बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न, बैकवर्ड सीक्वेंस मतलब कि ये जैसे मैंने पहले आपने क्वेश्चन देखा वो एक आगे बढ़ाकर था, ये पीछे की तरफ इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। मैंने बोला क्या कि जो भी आपके क्वेश्चंस है आप उसको लिख लिया करें ठीक है, फटाक से आप लिख लिए, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्या ब्राउन बी आर ओ डब्ल्यू एन, ये कर लिया, इसको इसने कैसे लिखा है जेड पी एम यू एल, ये लिखा हुआ है। अब इनमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि क्या रिलेशन है इनमें ठीक है, तो पहले रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो B और Z है, देखिए B का होता है 2 ठीक है और Z का होता है आपको 26 है ना, अगर आपको नंबरिंग याद हो तो फटाफट लिख लीजिए। और यहाँ R है, R का 18 है ना, और P का क्या होता है, आपने P का पहले भी देखा था, अगर नहीं याद है तो कैसे करेंगे हम, जहाँ अगर अटक जाते हैं, अटकने का तो कोई चांस ही नहीं होता है ठीक है, आपको फटाक से करना होता है। ओ और पी आता है, ओ का 15 होता है, पी का 16 कर लीजिए आराम से, ओ का यहाँ देखिए यहाँ 15 हो गया, एम का आपको पता है माधुरी, एम फॉर माधुरी 13 तक उन्होंने गाना गाया था, डब्ल्यू का क्या डी डब्ल्यू मैंने बताया था डी डब्ल्यू ठीक है, डी आपका पता है 4 है, तो डब्ल्यू का क्या हो जाएगा 23 होगा, क्योंकि 23 ऐड कर देंगे तो 27 हो जाएगा। यू का आपको ए आई ओ यू बताया था मैंने ठीक है, तो इसका हो जाता है 21, N का हो गया 14 और L का हो गया आपका एल एम 12 ठीक है। तो अभी देखिए इनमें रिलेशन क्या हो गया, 2 और ये 26, यानी B में क्या करेंगे दो यहाँ पर एड सॉरी दो सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर, तो हम Z के पास पहुँच जाएंगे ठीक है ना, आप Z के पास पहुँच जाएंगे। इसी तरह देखिए 18 और 16 है ठीक है, 18 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा 16 पर पहुँच जाएंगे, 15 माइनस 2 ठीक है यानी आप 13 पर पहुंच जाएंगे, इसी तरह 23 माइनस 2 आप कहाँ पहुंचेंगे 21 पर, n यानी 14 माइनस 2 12 पर पहुंच जाएंगे, दैट मीन्स कि इसमें क्या हो रहा है सारे में माइनस 2 हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ठीक है। तो हमारा जो है क्या है वॉयलेट वी आई ओ एल ई टी, इसे हमें करना है यानी v से क्या करना है माइनस 2 ठीक है, v से माइनस 2 आपको जाना है ठीक है। तो ये होता है इसका कितना हो जाता है 22 हो जाता है, 22 मतलब 20 आना चाहिए, तो 20 किसका होता है भाई T का होता है, T का 20 होता है, T20 कप ठीक है, ये मैंने याद कराया था। तो अब आते हैं ऑप्शंस की तरफ, एक आपने कर लिया, अब देखिए ऑप्शन में T T T A C और D ऑप्शन है जो सारे में T है, B ऑप्शन है जो कि इसमें T नहीं है, तो ये पहले ही हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, अब इसके तरफ हमें नहीं जाना है, हमें बस इन तीनों में ही ऑप्शन को मैच करना है ठीक है। अब एक बार फिर से क्या करना है आपको ऑप्शन की तरफ ही देखना है, तो ऑप्शन को देखिए जी 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 तीनों में क्या है जी जी है, तो हम क्यों करें क्योंकि जी तो आना ही है। अब देखिए एम 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 डब्ल्यू है ना, एम है डब्ल्यू है, तो यहाँ एक में डब्ल्यू आ जा रहा है, तो हमें इसके लिए चेक करना होगा यानी थर्ड वाला, तो थर्ड क्या है 1 2 3 ओ के लिए हमें चेक करना होगा, ओ होता है हमारा 15, 15 माइनस 2 करेंगे तो होगा 13, और 13 कितना किसका होता है एम का होता है, किसका होता है एम का है ना, एम फॉर माधुरी और 13 तक 1 2 3 गाना गया था एम, तो एम अब आइए ऑप्शंस की तरफ, एम इसमें भी है एम इसमें है, डी ऑप्शन जो है जिसमें कि एम नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो हम हर क्वेश्चन इसी वजह से करेंगे तो हमारा कम समय में ये हमारा सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है,
तो देखिए अब हमारा बचा ये दोनों ए और सी ऑप्शन है जो कि हमारा करना है। तो अब आप फिर अगेन ऑप्शन में देखिए कि एम हो गया, अगेन देखिए जे है और सी है, इसमें भी सी जे सी है और यहाँ भी जे सी है, तो हमें इसके लिए क्यों करना कंपेयर। फिर अब आइए लास्ट में आर और क्यू है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि क्या हमारा आएगा, आर आएगा या क्यू आएगा। तो लास्ट में है टी, टी का होता है 20, टी 20 माइनस 2 करेंगे तो होगा 18, 18 किसका होता है, आर का होता है। मैंने बोला था आई नो यार, आई नो यार, ठीक है, ये मैंने बोला था आपको, आर का 9 का डबल हो जाता है 18, ठीक है, तो 18 यानी आर आया यहाँ पर। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, ए वाला ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम अपना कम टाइम में ये हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सारा लेटर पैटर्न का है, लेटर कोडिंग, लेटर डिकोडिंग के ही सारे ये पैटर्न है। नेक्स्ट ये भी बैकवर्ड सिक्वेंस का ही है, इसे भी हम एक बार कर लेते हैं फटाक से, ठीक है, तो चलिए फटाक से कर लेते हैं। अगेन क्या है, इन अ सर्टेन कोड ट्रिपल रिटेन एज एच क्यू एच डबल ओ के डी, है ना, हाउ इज डिस्पोज रिटेन इन द स्कोर, मतलब ये जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा होगा। तो चलिए वही अगेन हम क्या करेंगे, टी आर आई पी पी एल ई लिख लिया, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, ये रहा आपका एस क्यू एच ओ ओ के एन डी। अब चलिए इसमें देखते हैं क्या करना है हमारा। अगेन वही, आपको नंबर याद है तो फटाक से आप कर सकते हैं, ठीक है, टी 20 हो गया, आर 18 हो गया, आई का 9 हो गया, और पी का कितना हो गया, ओ पी, ठीक है, 16 हो गया, 16 हो गया, एल का हो गया 12 और ई का हो गया 5। इसका देखिए एस का, एस का क्या हो गया, ये रहा एस, ठीक है, एस का हो गया आपका 19, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ वो बेटर रहेगा, इसका हो गया 19, ठीक है। जैकलिन का मैंने बोला था क्यू 17 हो गया, ठीक है, जे का 10 तो क्यू का, और एच का हो गया 8, ओ का हो गया आपका 15, के का हो गया आपका 11 और डी का हो गया 4। अब देखिए क्या दोनों में रिलेशन है, 20 के बाद आ रहा है 90 यानी माइनस 1, ठीक है, 18 यहाँ 17 है माइनस 1, 9 और 8 माइनस 1, 16 15 माइनस 1, 16 से फिर अगेन माइनस 1, 12 माइनस 1, 11 हो गया 5 माइनस 1, 4, यानी हमारा क्या रिलेशन मिला, माइनस 1 सारे में मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है माइनस 1, यानी एक पीछे से सारे को उसने सब्स्टिट्यूट किया है, यानी ये बैक है, बैक ले रहा है अपने से, एक बैक को ले रहा है, एक पीछे ले रहा है, ठीक है। तो चलिए हम अपना जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं, क्वेश्चन क्या है, यानी हमने देख लिया कि 1 1 का क्या है हमारा, एक बैक है, तो हमारा है डिस्पोज, ये रहा डिस्पोज, ओके, तो डी का एक पहले बैक कीजिए, है ना, क्या आएगा, डी का 4 होता है तो सी हो जाता है 3 का, ठीक है, 3 किसका हो जाता है, सी का। अब आते हैं हम ऑप्शन पर, एक कर लिया हमने, ऑप्शन पर आना है, ए बी सी डी जो ऑप्शन है, देखिए सी डी ई ई ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हमने पहले ही देख लिया कि सी से स्टार्ट हो रहा है, तो एक यही ऑप्शन ऐसा है जो कि हमें और देखने की ज़रूरत नहीं है, तो एग्ज़ाम में हम ऐसे ही करेंगे, बट यहाँ एक बार हम समझ लेते हैं कि यह एग्जैक्ट यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए करते हैं, आई का होता है 9, आपको लाना है 8, 8 होता है एच का, ठीक है, देखिए एच आया हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल सही है, ठीक है, एस होता है किसका, 19 का, ठीक है, और एस से एक पहले 18 कीजिएगा तो आर हो जाता है, ठीक है, ओ पी ओ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ओ हो गया आपका 15, तो 14 किसका हो जाता है, एन का हो जाता है, एन ओ, ठीक है, एस हो गया आपका क्या 19, यानी आपको क्या लाना है, आर लाना है, ई हो गया 5, यानी डी आपका हो जाएगा 4, तो आप मैच कर लीजिए सी एच आर ओ एन आर डी, ये आपका ऑप्शन मैच हो रहा है। तो कहने का मतलब कि आप काफ़ी कम समय में ही आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है, बस क्या करना है आपको, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ बस वो फॉलो करते जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता है कोडिंग डिकोडिंग का पूरी कंप्लीट नंबर लेने से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन ये देखिए, ये थर्ड तरह का थर्ड पैटर्न है हमारा, स्किप सीक्वेंस पैटर्न, ये सारा लेटर का ही मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये क्या है, लेटर कोडिंग डिकोडिंग का ये सारा पैटर्न्स है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न्स ये आते हैं, तो ये स्किप सीक्वेंस मतलब इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं अगेन। इन अ सर्टेन कोड, इन अ सर्टेन कोड क्या कह रहा है कि इस लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन इज रिटन एज ई एम पी क्यू बी पी डब्ल्यू ए वी जी क्यू एल, इस तरह से कोड किया हुआ है, ठीक है, तो व्हाट विल बी द कोड फॉर डिस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का डिकोडिंग किया है इस तरह से, ठीक है, कोडिंग किया गया है, तो हमारा डिस्ट्रक्शन का कोड क्या होगा। अगेन हम वही काम करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिख लिया मैंने और इसका क्या किया हुआ है, ई एम पी क्यू वी पी डब्ल्यू ए वी जी
क्यू और एल। ठीक है, अब इनमें रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, कौन सा रिलेशन आ रहा है हमें। चलिए रिलेशन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। थ्री और ई हो गया फाइव, यानी प्लस टू हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है? प्लस टू। ओ हो गया हमारा 15 और एम हो गया 13, यानी माइनस टू हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है? माइनस टू। एन हो गया आपका 14 और पी हो गया 16, यानी यहाँ पर हो गया प्लस टू। ठीक है, और यहाँ पर एस देखिए, एस हो गया आपका 19 और क्यू हो गया 17, यानी माइनस टू हो रहा है। यानी अभी हम क्या देख रहे हैं? प्लस टू माइनस टू, प्लस टू माइनस टू, यही चल रहा है। ठीक है, टी भी हमारा 20 है और ये क्या है? 22 है भी। यहाँ देखिए, यहाँ पर प्लस टू हो गया, यानी 22। आर हुआ 18 और पी हो गया आपका 20, पी हो गया 16, ये हो गया माइनस टू। ठीक है, अब आइए हम बात कर लेते हैं यू का। ठीक है, यू पर देखिए 21 है, ठीक है, और डब्ल्यू का है 23, 2 प्लस हो गया यहाँ पर। यानी ये सारे में यही मिल रहा है, टी का 20 और वी का क्या हो गया आपको मिलेगा 22। यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए सी का है यहाँ पर, ये छूट गया 3 और ए का हो गया 1। ठीक है, तो 3 माइनस 1 2, यानी माइनस 2 हो रहा है यहाँ पर। प्लस 2 माइनस 2, यानी हमारा पैटर्न मिला प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, मतलब यही चल रहा है। ठीक है, तो हम अपने ऑप्शंस में जो हमारा क्वेश्चन है यानी डिस्ट्रक्शन को करना है, तो चलिए डिस्ट्रक्शन को हम कर लेते हैं कि डिस्ट्रक्शन का हमारा क्या कोड होगा। ओ एंड डिस्ट्रक्शन, इसमें हमारा डी का क्या है? 4 है, 4 में प्लस 2 करेंगे तो 6 होगा। ठीक है, तो यानी हमारा एफ आना चाहिए यहाँ पर। अब चलिए हम ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। देखिए एफ, एफ कहाँ है? 1 में एफ है और 3 में एफ है, और ये दो जो मतलब ये नहीं है, तो हमारा ई वाला तो होगा नहीं, ये ऑप्शन को हम कट कर लेते हैं। ये फोर्थ वाले भी ऑप्शन को हम केयरफुली देखेंगे, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, ये 4 को भी हम इसमें भी ले करके चलेंगे, बस हमारा 2 ऑप्शन क्या है वो हमारा यहाँ से हट गया। अब आते हैं ई पर। ई का यहाँ पर क्या था? प्लस 2 फिर माइनस 2 था, तो ई हो गया 5, तो माइनस 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 3 किसका हो गया? सी का हो गया। अब आइए ऑप्शन पर अगेन देखते हैं। देखिए क्या है? एफ सी, एफ सी, ये दोनों में सी सी है। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। यू यू भी है इसमें, ठीक है, आर आर भी है और टी टी भी है, एस एस है, ई और एफ यहाँ पर चेंज हो रहा है। यानी कौन सा पोजीशन पर? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाले को देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर आते हैं। ठीक है, तो 7 वाले पर क्या होगा? प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2, यानी सी में सी 3 है तो 5 आना चाहिए, यानी आपका ई आना चाहिए। तो ई देखिए, ई किस में आ रहा है? ई 1 में आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर, मूव करते हैं। ठीक है, ये तो हट गया, अब हम देख लेते हैं क्या ये, अब जो ये सारे को हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक ऑप्शन नन ऑफ द एबव का भी है, इसलिए हमें इस ऑप्शन की तरफ मूव करना होगा, ये सारे तरफ जाना पड़ेगा। तो अब चलिए टी का देखते हैं। टी का हो गया 20, तो 18 आना चाहिए, 18, क्योंकि यहाँ प्लस हुआ था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आर आना चाहिए, आर आ रहा है, देखिए आर बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ 9 होता है आई का और हमें क्या लाना है? 7, तो के होता है 7 का, के आ गया। ठीक है, ओ हो गया 15। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा? उसमें 2 ऐड कर देंगे। अभी हमने क्या किया था? ये कौन सा पोजीशन है? ऐड सब्ट्रैक्ट, मतलब जोड़ो घटाओ, जोड़ो घटाओ, जोड़ो घटाओ, जोड़ो घटाओ, जोड़ो घटाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 आना है, तो एम आना चाहिए। देखिए ऑप्शन में एम है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हम प्लस 2 करेंगे तो एन ओ पी, हमारा पी हो जाएगा 16। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हुआ? करेक्ट हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे, अगर नन ऑफ द एबव हमारा ये अगर किसी भी ऑप्शन में होगा, तो हमें उस वाले जो भी अगर ऑप्शन लग रहा है कि हाँ ये है, तो प्लीज़ उसको एक बार प्लीज़ सारा कर ले। नहीं तो कभी कभी होता है कि अगर मान लेते इतना कर लिया और कहीं बीच में उसका ऑप्शन नहीं मैच किया, तो फिर क्या होता? नन ऑफ द एबव आंसर हमारा ठीक हो जाता, तो इसलिए आपको करना होगा। तो सो केयरफुल आप क्वेश्चन को करते चले। तो स्किप सीक्वेंस पैटर्न, मतलब कि देखा यहाँ पर कहीं प्लस हो रहा है, कहीं माइनस हो रहा है, यानी प्लस 2 हो रहा है, यानी स्किप कर करके। ठीक है, एक स्किप करके, दो स्किप करके, तीन स्किप करके, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारा लेटर का ही है हमारा थर्ड वाला। अब चलते हैं, मूव करते हैं अपना फोर्थ, बाय चेंजिंग प्लेसेस, इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, तो चलिए क्या है इसमें ये भी देख लेते हैं। कह रहा इन अ कोड इन अ सर्टेन लैंग्वेज मैनिपुलेशन इज रिटन एज, ये जो भी कोड लिखा हुआ है पढ़ा तो नहीं जा सकता है, NYTALUP जो भी लिखा हुआ है, विच वर्ड वुड बी रिटन एज, इसको आपको लिखना है। अगर ये वाला कोड इस तरह से किया हुआ है तो इसे हम कैसे करेंगे? तो चलिए अगेन जैसे हम करते हैं वही करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या। MANIPULATION मैनिपुलेशन है, ठीक है, इसका क्या किया है? NOITALUPIN AM। देखिए इस तरह का कोड अभी तक हमने कैसे किया था? अभी किया था हमने उसका नंबरिंग करके, ठीक है,
नंबरिंग करके हमने किया था, और कैसे किया था कि अगर एम का हमारा 13 है और एन का क्या हुआ 14 हुआ, यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि प्लस 1 हो रहा है। चलिए और आगे देख लेते हैं, ए का हुआ 1 और ओ का हो गया 15, यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ यहाँ क्या हो रहा है प्लस 14 हो रहा है, कैसे करेंगे हम। और देख लेते हैं, एन का हो गया आपका 14 और आई का हो गया यहाँ पर 9, क्या इसमें कोई रिलेशन आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। और देख लीजिए, आई का हो गया 9 और टी का हो गया 20, मतलब क्या कुछ रिलेशन ही नहीं मिल रहा है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए क्या हो रहा है केयरफुली, डिस ये मैंने लिखा बाय चेंजिंग प्लेसेस, इस तरह के भी आएंगे। तो क्या करना होगा, देखिए एम को एन, मतलब क्या है कि ये इसमें जो आपको दिया हुआ है, ये जो आपका कोड दिया हुआ है, इसी में एम के जगह पर एन, ए के जगह पर ओ, एन के जगह पर आई, ये इस तरह से किया हुआ है। देखिए एम के जगह पर जो क्या है, एन को रखा गया, ए है तो ए को ओ से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है ना, ओ यहाँ पर आ गया, एन है एन को आई से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, यानी फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से सब्स्टिट्यूट करते जाइए, ठीक है। इसमें वही दे रहा है कि जो प्लेस है उसका चेंज हो रहा है, कैसे भाई चेंज हो रहा है, जो फर्स्ट वाला लास्ट है, फर्स्ट सेकेंड है उसका, तो उसका सेकेंड लास्ट से चेंज हो रहा है, फिर फर्स्ट थर्ड है तो उसका लास्ट थर्ड से चेंजिंग हो रहा है, तो इस तरह के भी आएंगे। तो हमें क्या करना है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो जो हमारा क्वेश्चन गिवेन है क्या है, ई आर यू टी सी यू आर टी एस। अब देखिए ई को किसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, एस से कर देना है, तो ई का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं ऑप्शन के तरफ, एफ है यहाँ पर, ये हमारा कट हो जाएगा, एम है ये कट हो जाएगा, और डी में भी क्या है, एल से स्टार्ट है, ये कट हो गया, हमारा ऑप्शन सी हो गया। बस आप यही कीजिए क्वेश्चन एग्जाम में, आपका आंसर हो गया, अब आपको ज़्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है, सारा निकालने का जरूरत नहीं है, बस पहले आपको रिलेशन फाइंड आउट करना होगा कि जो आपका कोड दिया हुआ है उसमें क्या रिलेशन है, किस तरह से डिकोड किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये सारा भी करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, देखिए आर है, आर को हम किससे करेंगे, टी से करेंगे, आर को हम किससे करेंगे, टी से करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा टी, ठीक है। यू को करेंगे हम आर से, ठीक है, यू हो गया हमारा आर, टी हो गया यू, ठीक है, यहाँ पर यू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर यू, और यहाँ पर देखिए मैच करते जाइए, एस टी आर यू, एस टी आर यू सी है ना, सी, फिर उसके बाद मैच हो रहा है टी यू आर ई, फिर क्या हो रहा है टी, ये उसे अगेन चलने लगा टी यू आर ई, ठीक है, इस तरह से हमारा ये सारा सब्स्टिट्यूट हो गया। तो ये रहा हमारा बाय चेंजिंग प्लेसेस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फिफ्थ है, कौन सा अपोजिट लेटर पैटर्न, हमारा अपोजिट लेटर पैटर्न मतलब ये सारे लेटर का ही है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, इतने सारे वेराइटीज है, तो चलिए इसे भी हम करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा कोड, सर्टेन कोड लैंग्वेज, यानी क्या है, ईयरली वाई ई ए आर एल वाई इज रिटेन एज, क्या रिटेन है भाई, बी वी जेड आई ओ बी, मैंने क्या बोला, अपोजिट लेटर के थ्रू, ठीक है, ये भी हमें चेक करना होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो ये सारा आप अप्लाई करते जाइए, ठीक है, पहले आप रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। तो मैंने तो यहाँ पहले बता दिया, तो आप ऐसे ही समझ गए होंगे, ठीक है, कि वाई का बी होता है अपोजिट, यानी इसका वाई का कितना होता है 22 होता है, सॉरी 25 होता है, और बी का 2 होता है। तो अपोजिट कैसे करते हैं हम, कि अगर आपका दोनों को जोड़ने के बाद 27 आता है, दैट मीन्स कि वो दोनों जो लेटर है वो एक दूसरे के अपोजिट है, ओके, वो दूसरे के अपोजिट है। तो देखिए वाई यहाँ हो गया 25 और बी हो गया आपका 2, तो ये हो गया 27, ई का होता है 5 और वी का हो गया 22, ए हो गया 1 और जेड हो गया 26, आर हो गया 18 और आई हो गया 9, ठीक है, एल हो गया 12 और ओ हो गया 15, वाई हो गया आपका 25 और बी हो गया 2। देखिए ये सारे को आप जोड़ेंगे तो 27 हो गया, दैट मीन्स कि ये सारे एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम मैं रफ कर लेती हूँ ताकि स्पेस मिल जाए, हमें रिलेशन मिला अपोजिट का है ना, कि एक दूसरे के वो अपोजिट है। तो हम यहाँ अपना इसका देख लेंगे, क्या है हमारा एनुअल, ए एन एन यू ए एल, तो ए का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड, तो चलिए जेड लिख लीजिए, ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड। अब आइए ऑप्शन में, देखिए जेड 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 सारा है, ठीक है, तो वैसे हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन सेकेंड वाले पोजिशन पर क्या है, एफ एन एम एक्स, तो हमें सेकेंड वाले को देखना पड़ेगा, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम, एम एन हो जाता है, तो आइए ऑप्शन में मैच कीजिए, देखिए एफ है ये कट हो गया, एन है एन भी नहीं होगा, एम है ये मैच हो रहा है, और यहाँ एक्स है तो ये भी कट हो गया, हमारा ऐसे ही आंसर मिल गया, आगे मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट हम यहाँ पर आगे मूव करके देखेंगे, ठीक है, हमें देखना होगा क्या आ रहा है क्या। फिर एन है, देखिए एन का अपोजिट एम, यू है यू का अपोजिट एफ है ना, फू फा फू, ए का अपोजिट जे ए जी, एल है ना, एल का हो गया एल ओ है ना,
लो लो मैंने याद कराया था, ए जी बाई सिक्स, डी डब्ल्यू है ना, फू सारा याद कराया था, जी टी ग्रैंड ट्रक रोड, हंस दिए, ये सारा मैंने कराया हुआ। आप प्लीज़ जाकर के वो वीडियो देख लीजिए किस तरह से आपको अपोजिट वगैरह सब याद करना है। बट आपको क्या करना है, हर दिन एक बार वो आपको ट्राई कर लेना है नंबरिंग का, कि नंबर पोजिशन कैसे हम याद करते चले। तो ये सारे हो गए हमारे लेटर्स के, ठीक है। और देख लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। एक ये क्वेश्चन रहा, चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं और इसे देखते हैं। अगेन क्या, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एंजल इज रिकॉर्डेड एज IJKMN, तो क्या कोड किया हुआ है, एंजल को किया गया है ANGLE, IJKMN। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, एंड स्ट्राइक इज कोडेड एज OPQRSN, स्ट्राइक कैसे कोडेड है, STRIKE कैसे कोडेड है, OPQRSN। तो कह रहा है कि ट्रायंगल किस तरह से कोडेड होगा, ठीक है। अब हमें क्या माइंड में आएगा, कभी तक जो हमने पढ़ा क्या किया, रिलेशन फाइंड आउट किया है, यानी हमने देखा ये तो बैकवर्ड होगा या फॉरवर्ड होगा, ठीक है, या स्किप्ड होगा या फिर आपका अपोजिट होगा। तो अगर ए का देखिए यहाँ पर तो 1 है और आई का 9 है, एन का 14 है तो जे का आपका 10 है, तो यहाँ देखिए यहाँ कुछ रिलेशन ही नहीं दिख रहा है। जी का आपका हो गया 7, के का हो गया 11, कोई रिलेशन आपको नहीं दिख रहा है, 1 है, 9 है, 14 है, 10 है, कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ भी देखिए एस हो गया फिर ओ हो गया, है ना, यहाँ भी अजीब तरीका का आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया गया है कि ए को आई से किया गया है, ठीक है। अब दोनों में देखिए, दोनों में कुछ सिमिलर सा दिख रहा है क्या, NGLE, यहाँ पर कुछ है क्या, ई देखिए ई दोनों में मैच हो रहा है, ई यहाँ ई के लिए एन लिखा गया है, यहाँ भी ई के लिए एन लिखा गया है, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं, कुछ और है क्या जो दोनों में सेम हो, ANGL, नहीं अब नहीं सेम है, तो ये क्या है, ये इससे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं अपना स्ट्राइक को देखते हैं, स्ट्राइक है हमारा तो एस के लिए देखिए ओ को किया गया है, एस के लिए ओ को किया गया है, ठीक है। हमारा क्या क्वेश्चन है, सॉरी स्ट्राइक है उसको इस तरह से लिखा गया, हमारा है ट्राइंगल, हमारा है ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल है, ठीक है। तो टी के लिए क्या लिखा गया है कोड में, टी के लिए देखिए पी लिखा गया है, तो हम भी यहाँ पर पी लिख देंगे। अब आइए ऑप्शन पर, देखिए पी चारों में है तो पी यानी होना ही था, क्यू भी है चारों में तो क्यू भी होना ही है, तो हम इसके लिए अब नहीं चेक करेंगे, हम चेक करेंगे थर्ड वाले को, क्योंकि आर है, एम एम है और आर है, तो चलिए थर्ड वाले पोजीशन के लिए देख लेते हैं, दैट मीन्स कि आई के लिए हम देखते हैं, आई के लिए देखिए आर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ आई के लिए हम लिखेंगे आर, और आर देखिए किस किस ऑप्शन में है, तो आर है हमारा इस वाले में भी और फर्स्ट वाले में आर है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों जो है हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है, वो कट गया, हट गया। अब हम दो में ही अब हम कंपटीशन करेंगे, 1 और 4 में, तो चलिए फिर देख लेते हैं अपने ऑप्शन के तरफ, और कुछ मैच हो रहा है क्या, क्यू है आई है, तो चलिए अगेन हमें मैच करना पड़ेगा नेक्स्ट के लिए, यानी ए के लिए देखना होगा, ए के लिए क्या है आई है, ए के लिए आई है, तो आई देखिए कहाँ पर है, आई यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यानी फोर्थ वाले ऑप्शन में हमारा आई है, और ये भी एलिमिनेट हो गया, यानी हम अपने आंसर को अचीव कर लिए, हमें और आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आ रही है बात समझ में, मतलब कितना ईजी है, कितना ईजी है करना, बस आपको ABCD का 1 2 3 अपोजिट जैसे मन वैसे बस पोजीशन रख लेना है, बस पोजीशन, और वो आप कर सकते हैं यार। डेली एक बार भी पीक फ्रॉग वाला जंप जो है उसको करोगे एक बार ना, तो वो आपको याद हो ही जाएगा, क्यों नहीं याद होगा, आप तो जिद्दी ऐसे भी हो, कोई भी चीज़ ठानो तो करके ही रहोगे, एक दिन में याद कर सकते हो यार, 2 दिन में याद कर सकते हो, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको याद करने में, और जब भी क्वेश्चन करो उसका नंबरिंग करते जाओ, नंबरिंग करते जाओ और लिखते जाओ। तो चलिए फिर अगेन हम, तो हमारा इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया, और ये रहा एन का भी, चलिए पूरा हम कंप्लीट कर ही लेते हैं, ठीक है। एन का इन्होंने क्या लिखा है, एन का जे लिखा है तो हम जे लिख लेंगे, ठीक है, जे, तो देखिए हमारा जे मैच कर गया। फिर क्या है, जी है, जी के लिए क्या लिखा है इन्होंने, के लिखा है, के लिख दिया। एल के लिए एम लिखा है, एम लिख दिया। ई के लिए एन लिखा है, एन लिख दिया। देखिए हमारा ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, आपके लिए है, और आप इसको करके कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, आप इसका आंसर ज़रूर बताएंगे कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। वैसे आपको दिख रहा है MM, जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का सेम है, ओ भी है सेम है, जो थर्ड पोजीशन पर लेटर है LLKK, इसमें आपको फाइंड आउट करना है, तो आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। तो इसके लिए चलिए, आपको ये कैसी वीडियो लगी, कुछ समझ में आया, आपको ट्रिक समझ में आया कि किस तरह से एग्ज़ाम में हमें करना है विद इन अ सेकेंड, है ना, आपको फटाक फटाक देखना और फट से कर लेना है। तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में लिखें कि पसंद आया आपको, यस लिखें, ठीक है।
और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और अगर फ़ायदा बिल्कुल हुआ हो ना थोड़ा सा भी तो आप प्लीज़ शेयर कर दे। शेयर में कंजूसी और सब्सक्राइब में भाई पैसा नहीं लगता है, फ्री में होता है, तो फ्री में तो ये काम कर सकते हो ना। तो चलिए, इतना देर तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह से छक्का स्ट्रिक के साथ। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।